श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 30 मार्च को रामनवमी है और रामनवमी पर गुरुजी द्वारा बताए गए रोग मुक्ति का एक बहुत अच्छा उपाय है। और दोस्तों यदि आप रामनवमी पर राम जी के लिए भोग प्रसाद बनाते हैं तो कुछ विशेष बातों का अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों वीडियो अंत तक सुने। आपका कई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं हो रहा। तो स्कंद पुराण कहती है, कौमार खंड में भी वर्णन शिव महापुराण, कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए। और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। महाराज 10वीं तिथि को, नवमी को तो ये करोगे, 10वीं को वापिस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए। अपने हाथ पर बांध कर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। महाराज वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का नश्वर है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का नश्वर है। बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का नश्वर है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, तुम्हारे बहू का अगर जापा होए, बहू की डिलीवरी होए, बहू को संतान होए, तो खूब घी में गोंद तल तल कर खिलाओ। पर जन्माष्टमी रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं आना चाहिए। हो शरीर में बहुत कष्ट हो, टेबलेट खा कर जिंदगी निकल रही हो, बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें। महाराज घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती है, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, नवमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है। महाराज वो रोगीला नहीं रहता, रोग से ग्रस्त नहीं रहता। जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां चैत्री नवरात्र में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं, उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए। महाराज घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे।